निवेदिता शुक्ला। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के राजनीतिक जीवन पर आधारित फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का जब से ट्रेलर लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक इस फिल्म को लेकर चर्चा थमी नहीं है। किसी न किसी वजह से इस फिल्म ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया ही है, फिर चाहे वो यूथ कांग्रेस की धमकी हो या फिर बीजेपी के पेज से ट्रेलर को शेयर किया जाना या फिर अचानक टॉप 10 में ट्रेंड करते करते ट्रेलर का टॉप 50 में खिसक जाना, जिसको लेकर अनेकों कयास लगाए गए। अनुपम खेर ने खुद जो इस फिल्म में मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे हैं, यूट्यूब को ट्रेलर के ट्रेंड को लेकर ट्वीट किया। अब जो नई चर्चा इस फिल्म से जुड़ गई है वो है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में कौन निभाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार। जी हाँ, 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद जिस शख्स ने उस गद्दी को उनसे छीना वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तो थे। ऐसे में सवाल ये है कि इस फिल्म में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र है भी या नहीं, और अगर जिक्र है तो आखिर वो कौन है जो फिल्म में पीएम मोदी के किरदार को निभाएगा। हालांकि फिल्म के मेकर्स ने नरेंद्र मोदी के किरदार को लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं किया है और 11 जनवरी को जब फिल्म रिलीज हो रही है तब तक इंतजार करने को कहा है। फिल्म के मेकर्स ने इस मुद्दे पर पूरा सस्पेंस बरकरार रखा है। बता दें कि फिल्म में मुख्य भूमिका में अनुपम खेर हैं, जो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का रोल अदा कर रहे हैं। वहीं संजय बारू, जिनकी लिखी किताब पर यह फिल्म आधारित है, उनका किरदार फिल्म में अक्षय खन्ना निभा रहे हैं। राहुल गांधी का रोल अर्जुन माथुर निभाएंगे, क्योंकि फिल्म में प्रियंका गांधी को भी दिखाया गया है, इसलिए प्रियंका गांधी का रोल अहाना कुमरा निभा रही है। वहीं फिल्म में जिस महिला को पूरी तरह विलेन दिखाया गया है, यानी कि सोनिया गांधी, उनका रोल निभाने की जिम्मेदारी सुजैन बर्नर्ट को दी गई है। इस पिक्चर में पीएम मोदी की भी खास भूमिका हो सकती है, लेकिन 11 जनवरी तक का इंतजार हमें रहेगा, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि इस फिल्म में पीएम मोदी के चरित्र को कैसे डिस्क्राइब किया गया है।